This video is for grade 4, the chapter, The Great Indian Desert. We are continuing. The desert has an extreme climate. जो desert है वहाँ की जो जलवायु है, climate है, that is very extreme, that is very difficult. Summers are very hot with cool nights. वहाँ के जो summer season होता है वो काफ़ी गर्म होता है, but night में वहाँ पर ठंडापन होता है. While winters night are very cold. लेकिन जो winter के समय जो वहाँ का रात है, that is very cold. वो काफ़ी परेशानी पैदा करता है. Water is scarce as rainfall is scanty. वहाँ जो है water की काफ़ी कमी है. There is few water because there is less rainfall in this area. वहाँ बारिश कम होने की वजह से पानी भी कम मिलता है. Some areas are barren as they do not receive rain for years together. क्योंकि कुछ एरिया ऐसे भी हैं, दे आर बैरन, मीन्स वहाँ कुछ भी नहीं पाया जाता है, कोई वेजिटेशन, कोई लोग भी नहीं रहते हैं. क्यों? क्योंकि इन दिस एरिया देयर इज़ नो रेन सिंस सम ईयर्स, मीन्स कुछ सालों से वहाँ बारिश नहीं होने की वजह से. इंटरेस्टिंग फैक्ट, द सहारा डिज़र्ट इन अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड, यू नो. एंड द सांभर लेक इन राजस्थान, सांभर लेक राजस्थान में है, दैट इज़ द सॉल्टीएस्ट लेक इन इंडिया. वह सबसे खारा पानी का लेक है. लुक इन द मैप, दिस इज़ द सांभर सॉल्ट लेक. एंड हाउ इज़ द लाइफ इन द डिज़र्ट रीजन, लाइफ इन दिस डिज़र्ट रीजन इज़ फुल ऑफ हार्डशिप, जैसा कि आपको पता है, बिकॉज देयर इज़ नो रेन, लेस रेन, सो यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो मुश्किल होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड, चूँकि यहाँ लाइफ जो डिफ़िकल्ट है, रहना मुश्किल है, सो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है दैट इज़ वेरी फ्यू. स्पार्सली मीन्स कम लोग रहते हैं. हाउएवर सम पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रास लैंड, मीन्स कुछ लोग एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं इन सर्च ऑफ ग्रास लैंड, मीन्स जो ग्रास लैंड की खोज में एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं. एंड लिव अ नोमैडिक लाइफ, और वो घुमंतू जिंदगी, मीन्स एक जगह से जो दूसरे स्थान पे जाते हैं, दे आर कॉल्ड नोमैडिक लाइफ. एंड दे आर ऑल्सो नोन एज बंजारा, उन्हें हम अपनी भाषा में बंजारा कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ नोमैड कॉल्ड गोडिलिया लोहार मेक्स वेरियस थिंग विथ आयरन, जो नोमैड होते हैं उन्हीं का एक ग्रुप होता है, उन्हें गोडिलिया लोहार कहते हैं. दे मेक वेरियस थिंग्स विथ आयरन, आयरन से वो सामान को कुछ बनाते हैं, इसलिए उन्हें, क्योंकि वो लोहार है, सो दे यूज़ आयरन एंड मेक सम थिंग्स एंड सेल देम एज दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो उन सामानों को बनाकर, आयरन का सामान बनाकर वो बेचते हैं और एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं. दे आर कॉल्ड गोडिलिया लोहार. दिस इज़ द ग्रुप ऑफ नोमैड. पीपुल मूव अक्रॉस द डिज़र्ट इन ग्रुप्स कॉल्ड कारवा. पीपुल जो है एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं इन द डिज़र्ट. दे डू नॉट मूव सिंगल, दे मूव इन ग्रुप्स एंड दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड कारवा. लुक इन द पिक्चर, दिस इज़ द कारवा ऑफ कैमल्स. द प्लेसेज वेयर द अंडरग्राउंड वाटर सरफेसेज इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स आर कॉल्ड ओएसिस, मीन्स ऐसी जगह जहाँ अंडरग्राउंड वाटर पाया जाता है उस एरिया में, और वो बिकॉज ऑफ दिस दैट लैंड इज़ अ फर्टाइल लैंड इन दिस डिज़र्ट, दिस इज़ कॉल्ड ओएसिस. अ लिटिल वेजिटेशन, अ लिटिल वेजिटेशन बिकॉज ऑफ दिस ओएसिस, मीन्स ओएसिस मीन्स द लैंड वेयर वाटर इज फाउंड, बट वाटर इज नॉट इन अ गुड क्वान्टिटी. अ लिटिल वेजिटेशन सच एज डेट पाम, बबूल एंड थॉर्नी बुशेज ग्रो अराउंड द ओएसिस, और बिकॉज ऑफ ओएसिस इस एरिया में कुछ वेजिटेशन भी होता है, मीन्स यहाँ कुछ फसल भी होते हैं, कुछ पौधे भी पाए जाते हैं, जिसमें डेट पाम मीन्स खजूर का, बबूल का, और कुछ थॉर्नी बुशेज, थॉर्नी बुशेज मीन्स कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं. अ फ्यू क्रॉप्स सच एज व्हीट, बाजरा, मैजे, मेज, ज्वार एंड ग्राम्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड नियर दिस ओएसिस, चूँकि यहाँ पे ओएसिस की वजह से, मीन्स दिस लैंड नियर द ओएसिस इज़ फर्टाइल, सो सम क्रॉप्स लाइक व्हीट, बाजरा, मेज जो है यहाँ पे कल्टिवेट, मीन्स खेती की जाती है. थैंक्स फॉर लिसनिंग. थैंक यू.